एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई नीरज पांडे को सौंपा ज्ञापन। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मनोज गुप्ता और जिला पंचायत सदस्य शुभम पेद्रो तथा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जल्द ही मरवाही में पीजी कॉलेज की मांग होगी पूरी। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे को बताया कि मरवाही एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें यहां पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राओं को कई प्रकार की शैक्षणिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मरवाही महाविद्यालय में पीजी कॉलेज का ना होना, जिसमें यहां के छात्र छात्राओं 50 से 60 किलोमीटर दूर दराज गांवों से साइकिल या मोटरसाइकिल से आना जाना कर रहे हैं, जिससे यहां के छात्र छात्राओं को समय की बर्बादी के साथ आगमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यहाँ शैक्षणिक गतिविधियाँ एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा प्रभावित होती है। एवं वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही में समस्त एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज के लिए मांग नीरज पांडे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे का कहना है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के पास छात्रों की मांग को अवगत कराकर जल्द से जल्द पूरा करवाने की हर संभव प्रयास करूंगा एवं सभी छात्र छात्राओं को आश्वस्त करता हूं कि नए सत्र में प्रारंभ होते ही पीजी कॉलेज की क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी। बीएसपी 24 न्यूज से राष्ट्रीय प्रबंधक निशिकांत अवस्थी की खास रिपोर्ट। मरवाही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ छात्रों का पीजी कॉलेज की मांग है, कब तक संभव हो पाएगा? मैंने जैसा आपको बताया अभी कि छात्रों ने आज ही मांग की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर इस बात को जाऊंगा और जल्द से जल्द इसे पूरा करने के लिए इंशाल्लाह करूंगा।